आपने बार बार ये क्लीशेड स्टेटमेंट को सुना है विच सेज इनोवेट और स्टैगनेट, मतलब अपने बिजनेस में इनोवेशन लाए या फिर स्टैगनेट हो जाए. बट आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ द अदर वे टू लुक एट इट एंड थिंक लाइक दिस. आई वुड से इनोवेट एंड लेट इट गो वेस्ट. मतलब ये है कि हर चीज़ जो आप कोशिश करेंगे इनोवेट करने के लिए या नई नई चीज़ें करेंगे विल नॉट वर्क. यू शुड हैव मल्टीपल पायलट थिंग्स दैट यू रन विद अ क्लियर अजम्पशन कि इसमें से यार अगर मैं 10 चीज़ें करूँगा तो 2/3 ऑफ देम आई विल लेट इट गो बाय. तो जैसे भी चीज़ें करें बट कंटिन्यूसली कीप डूइंग सम अमाउंट ऑफ, इट इज़ नॉट इन्वेंशन राइट, दिस इज इनोवेशन. अलग चीज़ें करें बिकॉज इफ़ यू डू नॉट डू यू गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. तो यू गॉट टू कीप पेस बाय डूइंग न्यू थिंग्स. किसी भी तरह का बिजनेस हो आपका, अगर वही चीज़ें कर रहे हैं आप फॉर नंबर ऑफ ईयर्स राइट नाउ, यू गॉट टू चेंज, यू गॉट टू बेटर चेंज नाउ. समबडी एल्स इज गोइंग टू किक योर बट अदरवाइज. बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन वेन यू चेंज न्यू सर्विस न्यू प्रोडक्ट न्यू वट एवर, टेस्ट इट आउट, पायलट इट फॉर अ फ्यू, वट एवर योर बजट डेट यू हैव. अगर आपके पास यू नो यू हैव सो मच बजट, बजट सो मच टाइम. इफ यू हैव सो मच बजट, बजट सो मच टाइम. बट यू नो टेस्ट इट क्विकली इन द मार्केट, सी इफ इट इज वर्किंग एंड यू नो बी रेडी टू फेल बिकॉज इट विल फेल. एंड बी क्लियर दैट वेस्टेज इज गुड बिकॉज एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू ओनली गेट वेन यू फेल एट समथिंग राइट विच यू कुड नॉट रियली अचीव. But few things that will work could make a difference. So remember this, innovate and let it go waste. But that, you know, whatever remains is going to add value to your business. So make it a point and don't see your business as different. Every business can do it. So can yours. Thank you.